तो दोस्तों, कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बिल्कुल ही वॉइस डाला नहीं था, क्योंकि इंस्टॉल कोई और कर रहा था। मैं इसको इंस्टॉल कर नहीं सकता। नए डिवाइस कोई भी वेंडर देता है तो वेंडर के पर्सनल के जरिए इंस्टॉल करना चाहिए। ये इको वोल्ट नियो 950 है। इसका जो वाट आउटपुट है 588, मान लो 600 वाट के करीब इसका वाटेज है। ये है लुमिनस के इन्वर्टर, और यहाँ पे जो बटन्स यहाँ पे दिया गया है, एक ही बटन है, बाकी डिस्प्ले है। ये जब जलता है मतलब इसका मेंस पावर ऑन है, आपके घर के पावर ऑन है। ये जब जलता है चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग हो रही है, और पंखा भी चलेगा, पीछे से आवाज़ भी आएगी। यहाँ पे जो इको मोड है ये अभी अनरेगुलेटेड इन्वर्टर मोड में है। यूपीएस मोड अगर आप करना चाहते हो तो इसको यूपीएस मोड में जब ये होता है, इसमें ये अनरेगुलेटेड सप्लाई होता है, और इसमें सप्लाई 85 वोल्ट से लेके 285 तक होता है। ये घर के लिए सूटेबल होता है। नॉर्मली आपके घर में पंखे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर चली गई तो बस, ये अनरेगुलेटेड सप्लाई के लिए होता है नॉर्मली। ये अगर आपके घर में कंप्यूटर्स हैं तो इस मोड में चलाना चाहिए। इसका रेंज होगा, वोल्टेज इनपुट रेंज होगा 180 से लेके 240 तक बस। लो बैटरी मतलब बैटरी खराब है या चार्ज नहीं है। ओवरलोड डिस्प्ले हो रहा मतलब ज़्यादा लोड ले रही है लुमिनस इन्वर्टर। तो ये जब भी कुछ होता है आपको रीसेट करके एक एक करके स्टार्ट करना पड़ता है। ये है इसका फ्रंट पैनल। आप लोगों को मैं पीछे दिखाऊं, बैटरी तो कुछ दिखाने के लायक है ही नहीं, दो ही टर्मिनल है, और मैं कल के वीडियो में दिखा चुका हूँ बैटरी। पीछे चेक करते हैं। इसके दिखाने से पहले मैं आपको मैनुअल दिखाता हूँ, बैक पैनल होता क्या है। पीछे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ई एंड डी जो है वो प्लस माइनस है, केबल बैटरी को कनेक्टेड है। बी जो है वो तो आउटपुट मिलेगा इन्वर्टर का। ए जो है फ्यूज है, और सी जो है वो केबल है, जो अपना जो कॉर्ड है, पावर कॉर्ड इन्वर्टर को सप्लाई जो है। एफ जो है वो वहाँ पे बैटरी सेलेक्शन होगा। आई जो है वो फैन है। ऐसे इसका लोकेशंस दिए गए हैं। इसमें देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक फैन भी है, जहाँ पे आई लिखा है, और जहाँ पे एफ लिखा है वहाँ पे इसमें एक सेलेक्शन है, बैटरी सेलेक्शन है। जैसे कि मान लो आपके बैटरी ट्यूबुलर बैटरी है, यहाँ पे ट्यूबुलर बैटरी है तो TU ऑप्शन में रखना पड़ेगा। जिस टाइप का बैटरी है उस ऑप्शन में रखना पड़ेगा। तो इसमें आप देखोगे तो हमारा जो जम्पर है लास्ट में रहना चाहिए। ये मैं आपको रियल डिवाइस के पीछे से दिखाऊंगा। और बी जो है वहाँ पे सॉकेट आउटपुट आ रहा है, और ए एंड सी आपको तो पता है, ये आपका फ्यूज है और इनपुट वाला वायर है। चलिए रियल देखेंगे, ये तो मैनुअल में लिखा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है इसका पीछे का सेटिंग। ये पंखा जब गर्म होता है या जब बैटरी चार्ज होता है, ये हमेशा चलता नहीं है, तभी चलता है। ये तो बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव है, ब्लैक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये दोनों बैटरी के प्लस माइनस में लगता है। इधर मेनली यहाँ पे देखना होगा, जो इधर जो जम्पर है वो लास्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ट्यूबुलर है। दिखाता हूँ क्लोजली, ये 8-10 किलो है इसका वजन है। इसको मतलब अच्छा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे एक फ्यूज़ है, यहाँ पे इनपुट है, ये जो वायर है, और ये तो आउटपुट है। आप जानते हो आउटपुट में सिंगल तार दिया जाता है और ये लाइन दिया जाता है। यहाँ पे बोर्ड में इन स्विचेस को दिया जाता है ये, क्योंकि ये एक्सेप्ट इसको छोड़ के बाकी जितने स्विचेस हैं उसको ये कनेक्टिविटी दिया जाता है। इसको सिर्फ लाइफ, इसमें जो लाइन है, जो आउटसाइड रॉ पावर है वो मिलता है। तो इतना ही सेटिंग है। मैं
आप लोगों को दिखा नहीं पाया था पहला वाला वीडियो में, और ये एक सॉफ्ट टच ऑन ऑफ स्विच है, इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ये कुछ सेकंड्स में बस प्रेस करने वाला मैकेनिकल स्विच नहीं है ये, तो इतना ही है इसका। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो को आप बिना वॉइस के देख रहे थे, और इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिटेल दिया हूँ मैं, बाकी जब जब इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे और जो जो चीज़ें मैं करूँगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों। अभी देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे पावर नहीं है तो मेंस वाला जो लाइट है वो ऑफ हो गया है, चार्ज तो नहीं हो रहा है, बैटरी फुल है इसलिए चार्ज नहीं हो रहा है। अभी इको मोड में चल रहा है, अनइंटरप्टेड वाला मोड में जो मैं बताया था, और आप देख पा रहे हो अभी घर के फैन लाइट सब जलेंगे। अब इसी बीच पावर आ गई है, ये देखो, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इसलिए हमने इस इन्वर्टर को इंस्टॉल किया। चलिए, यूपीएस मोड अगर यूज़ करना है तो इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये यूपीएस मोड जलेगा, और वो तभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यूपीएस मोड है, लो बैटरी, ये अगर जलता है तो बैटरी चार्ज नहीं है, लो बैटरी, ओवरलोड हो गया तो ये बंद हो जाएगा और ये लाइट जलेगा। यूपीएस मोड में इसका वोल्टेज 180 वोल्ट्स से लेके 285 तक चलेगा, और ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये मोड सही होता है, ये घर के लिए सही होता है इको मोड, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है या रेगुलेटेड है, इसका ये फ़र्क है। चलिए, इसके स्विच ओवर करना है तो फिर से प्रेस करके रखना है, वापस इस मोड में लाना है तो इसको प्रेस करके रखना है, बस जब इसको ऑन ऑफ करते हैं रॉ पावर उधर से ऑन करना है और इसको दबा देना है, खाली प्रेस करना है, तो ये यूपीएस मोड है। इस मोड में रख के चेक करते हैं, एक दिन इसका रेस्पॉन्स देखते हैं।